मैंने भी पढ़ाई की है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा का श्रेष्ठ वरदान एक ही रहता है, चित्त की प्रसन्नता। जिनके पास चित्त की प्रसन्नता और मुख पर मुस्कुराहट है, समझ लेना चाहिए परमात्मा ने सबसे बड़ा वरदान दिया है। ये वरदान सबको नहीं मिलता, जो परमात्मा का प्यारा बच्चा होता है उसको ही वरदान मिलता है। आजकल हम देखते हैं सारी दुनिया में डिप्रेशन में लोग बहुत सारे हताश निराश होकर घूमते फिरते रहते हैं। हमने शिव कथा के माध्यम के द्वारा बहुत लोगों को प्रेरित भी किया। इधर उधर यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मंत्र तंत्र में जाने की जरूरत नहीं। आप ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में पहुँच जाए, बाबा के धाम में पहुँच जाए, और परमपिता परमात्मा आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास कब आए और कब मैं उसका मंगल करूँ, कल्याण करूँ। बस सिर्फ आपको घर से बाबा के धाम तक पहुँचना है। इसलिए हम सब बहुत भाग्यवान हैं, बाबा के चरण में बैठे हैं, उसकी गोद में बैठे हैं, और बाबा के हम सब मीठे बच्चे हैं। और ये शब्द हमने ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में से मिला है। दादा लेखराज की असीम कृपा है, उनकी तपस्या अभी भी बरस रही है, उसके पुरुषार्थ और तपस्या का ये फल है। मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी। मैं दादा लेखराज जब पहाड़ पर पधारे, उसने कितनी यातना, बहुत सारा संघर्ष करके इस लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को आत्मिक कल्याण के लिए उसने प्रेरित किया है।